वेलकम फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर वन का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रही है, ये क्वेश्चन पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेमेस्टर वन फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, टोटल जो क्वेश्चन पेपर है ये है 50 मार्क्स के लिए, राइट। और इंस्ट्रक्शंस में देखिए, इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट दिए, वहां पे दिया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क, राइट। तो सी फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए यही एक पेपर है जो 50 मार्क्स के लिए है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे स्पेसिफिकली जीएसटी पे प्रैक्टिकल है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपकी रिटर्न एग्जाम के पहले ही होने वाली है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिवर्सिटी के, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक लिंक है, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अभी चले डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर वन का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1A फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट आपको पैटर्न बता देता हूं कि पैटर्न बहुत ही सिंपल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। टोटल 50 मार्क्स है, इसमें से 30 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मतलब दो टॉपिक्स जो है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये दोनों टॉपिक पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, एक एक 15 मार्क्स ईच के लिए। तो 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए हो गए, और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो क्वेश्चन वन में आता है। तो क्वेश्चन वन में फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1A फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7, और इसके लिए टोटल 5 मार्क्स है। तो यहाँ पे साथ ही ये ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछते हैं और जनरली किस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक कहता है कि डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं, उस टॉपिक से है। तो यहाँ पे हम डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम टोटल डेटर्स अकाउंट कहते हैं, और क्रेडिट परचेसेस फाइंड आउट करने के लिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये आप मेमोराइज ही कर लीजिए, क्योंकि क्रेडिट सेल्स अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिए सिंगल एंट्री के, तो आपको टोटल डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना होगा जहां पे आपको क्रेडिट सेल्स मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेसेस। तो अगेन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस किया था कि क्रेडिट सेल्स के लिए डेटर्स अकाउंट और क्रेडिट परचेसेस के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट परचेसेस फाइंड करने हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ये भी क्वेश्चन सेम टॉपिक से है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पॉपुलरली नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी, लास्ट टॉपिक से, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखना है, हमें पता है कि इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स असेट्स आर शोन इन द बुक्स एट देयर एंड ऑप्शंस आर कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस। हम जानते हैं कि फिक्स असेट्स आर ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट प्राइस। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एन अकाउंटिंग कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलेटिवली इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट आइटम्स आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। सी यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट थोड़ा केयरफुली रीड कर दीजिए, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है कि एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलेटिवली इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट आइटम्स आर डिस्क्लोज्ड। ओके, सो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज, ये ऐसे कौन सी कंसेप्ट कहती है? तो ये मटेरियलिटी कंसेप्ट है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टेशनरी रिकॉर्ड करनी है तो आप टोटल स्टेशनरी का अमाउंट एक्सपेंसेस में लिखेंगे, स्टेशनरी के कंपोनेंट्स नहीं लिखेंगे कि आपने ड्यूरिंग द ईयर इरेजर इतने यूज किए, पेंसिल इतना, स्केल, मतलब स्टेशनरी जो एक्चुअल आइटम्स लिखना जरूरी नहीं, जस्ट आप स्टेश अंडर टाइटल स्टेशनरी
जो भी स्टेशनरी मटेरियल यूज हुआ है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट इज दैट कि जो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। इरिलेवेंट या इतनी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं, वहां पे डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है कि अगर आपको स्टेशनरी दिखाना है किसी फर्म को, तो स्टेशनरी में एक ही आइटम नहीं होता ना, एक ही आइटम हम परचेज नहीं करते। स्टेशनरी में बहुत सारे, मतलब इंक्लूडिंग इरेजर, पेन, पेंसिल, पेपर शीट्स, बहुत सारे स्टेशनरी मटेरियल होते हैं, स्टेपलर्स या उसके पिन। तो वो हम डिटेल में नहीं लिखते, अंडर टाइटल स्टेशनरी हम टोटल अमाउंट लिख देते। ओके, तो ये मटेरियल, इट इज अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी कंसेप्ट। इस ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टॉपिक से है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स पे। तो इस टॉपिक रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे डिटेल में वीडियो है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो जरूर देखिए। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट एंड साइंटिफिक, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, कंप्लीट एंड साइंटिफिक। सो हमें पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, तो इट इज इनकम्प्लीट एंड इट इज अनसाइंटिफिक। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर डैश ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड रिसिप्शन। सो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, और सिंगल एंट्री में मेनली पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट मेंटेन होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिंगल एंट्री या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इस टॉपिक्स पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट है, दैट इज मैच द पेयर्स। इसमें भी आपको 5 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 7। तो यहाँ पे देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, प्योर सरप्लस कैपिटल, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, प्रिपेयर ओनली पर्सनल अकाउंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट्स में यूनिट जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, उस पे लगभग 3 पॉइंट्स है, 3 क्वेश्चंस है। ओके, तो हम जानते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो रिलेवेंट पीरियड के एक्सपेंसेस एंड इनकम है वो मैच होने चाहिए। ओके, सो रिकॉर्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सिंगल एंट्री, रियलाइजेशन मेड इन पार्ट, इवन ओनर नहीं, इन पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, सो इट इज अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो ऑप्शन नंबर 5, इवन द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, क्योंकि ओनर का कैपिटल हम लाइबिलिटीज में दिखाते हैं, राइट। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है रियलाइजेशन मेड इन पार्ट्स इज कॉल्ड, ओके सॉरी, इट इज ऑप्शन नंबर 6 बेसिकली है। और इन पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सरप्लस कैपिटल, द फाइनल डिपोजिट ऑफ ईच पार्टनर विल बी, तो ये होगा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस रिलेटेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका 6 नंबर। देन पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका 6 नंबर का ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन यही है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना, एक्चुअली ये ऑप्शन नंबर 4 ही है, यहाँ पे गलती से 6 हुआ है। तो इसका पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, रियलाइजेशन मेड इन पार्ट्स इज कॉल्ड पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऐसे होता है। उसके बाद प्योर सरप्लस कैपिटल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर्स, मतलब जिसका एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल आएगा या प्योर सरप्लस कैपिटल आएगा उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे। उसके बाद मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट स्टेट रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच आर हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आई थी, राइट। उसके बाद प्रिपेयर ओनली पर्सनल अकाउंट्स, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मैच द पेयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द पेयर्स, 10 मार्क्स हो गए, 5 5 5 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एनी 2 आउट ऑफ 4। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शॉर्ट नोट है बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, देन एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट में देखिए
आउट ऑफ फोर थ्री क्वेश्चंस आर फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक पे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट के लिए. यहाँ फाइव, एक शॉर्ट नोट के लिए 5 मार्क्स है, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर दीजिए. जैसे कि मैंने बताया, ये जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट है, या फर्स्ट ओवरऑल जो फर्स्ट यूनिट है, उसका डिटेल में वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, ये है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पे, और इसको 15 मार्क्स है. ओके, यहाँ पे देखिए आप, ए बी सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टली दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, ऐसे इंफॉर्मेशन दिए. उसके बाद इंस्टॉल, तो ये पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इस टॉपिक पे मैंने 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्यूशन है. तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप चेक कर सकते हैं, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. ओके, इस इनफैक्ट इस पे बेसिक्स ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उस पे भी वीडियो, तो टोटल 3 वीडियोस है चैनल पे डेडिकेटेड टू पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इस टॉपिक के लिए. तो आप वो जरूर चेक कर दीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स के लिए, जिसमें सरप्लस कैपिटल का स्टेटमेंट 7 मार्क के लिए और पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टेटमेंट है वो 8 मार्क्स के लिए. ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा सिंगल एंट्री सिस्टम पे. ओके, तो श्री विजय कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग. तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है सिंगल एंट्री पे. सिंगल एंट्री पे मैं एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए. ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट ईयर बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेट क्लियर है, सिंगल एंट्री 15 मार्क्स, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन 15 मार्क्स, देन शॉर्ट नोट्स 10 मार्क, ये हो गए 40 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 मार्क्स. ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल होता है, तो वो प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट करना है, और प्रैक्टिकल की ओरल एग्जाम भी होती है एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे टाइम टेबल, वो कंडक्ट होती है. तो आपको प्रैक्टिकल की जो ओरल एग्जाम है उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, और उसके क्वेश्चंस मेनली जीएसटी पे आते हैं. तो जीएसटी का भी एक वीडियो है जिसमें ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं. थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.